इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप इंस्टाग्राम थ्रीड्स का जो अकाउंट है वो डिलीट कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम थ्रीड्स अकाउंट डिलीट कैसे होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अभी हमारे इंस्टाग्राम थ्रीड्स हमने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये अकाउंट डिलीट करना है काफ़ी सारे लोगों को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हम अकाउंट्स वाले मतलब सेक्शन में आते हैं, ये प्रोफाइल है, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वापस वो यहाँ पे ऊपर दो लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अकाउंट स्टेटस देखने को मिलता है, जो कि जिसके ऊपर आप अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इंस्टाग्राम में खुलेगा। डीएक्टिवेट प्रोफाइल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यू आर डीएक्टिवेट यूर थ्रीड प्रोफाइल, तो यहाँ से आप जो है अपना प्रोफाइल टेम्पररीली डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएक्टिवेट थ्रीड प्रोफाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डीएक्टिवेट बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो प्रोफाइल है वो यहाँ से डीएक्टिवेट हो चुका है, थ्रीड्स का प्रोफाइल यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। बट ये परमानेंट हुआ नहीं है, वो भी आपको समझना है, परमानेंट डिलीट नहीं हुआ है, डीएक्टिवेट हुआ है बस। यानी कि आपका जो अकाउंट है वो कुछ टाइम के बाद, अगर मान लीजिए आप 2-3-4 महीने यूज़ नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो सकता है, बट यहाँ से अभी के टाइम वो डिलीट नहीं हुआ। अगर आप मान लीजिए इसको अभी लॉग इन करने की कोशिश करते हैं तो ये लॉग इन अपने आप हो जाएगा वापस, मतलब अगर आप सारी पासवर्ड वगैरह दे देते हैं तो ये लॉग इन हो जाएगा। तो ये इसका कुल प्रोसेस है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।